नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए कह रहा है कि हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ अ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है, एंड फोर एंड थ्री फोर्थ ऑफ रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। बच्चों सुनो, एक डियर का झुंड है पूरा, बहुत सारे डियर है उसमें, ओके, और उसमें कितने डियर है हमें नहीं पता, यही इन्होंने हमसे क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, ठीक है ना। तो जो हमें नहीं पता होता उसको हम वेरिएबल एक्स से दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी कॉपी में नोट लगाना है क्या, लेट द नंबर ऑफ डियर बी एक्स, ठीक है। हमने माना कि भाई उस हर्ड में उस जो डियर का झुंड है पूरा उसमें कितने डियर थे, एक्स हैं, करेक्ट। लेट द नंबर ऑफ डियर बी एक्स, हमने माना कि भाई कितने डियर हैं, एक्स हैं, ठीक, ये बात है। अब क्वेश्चन पढ़ते जाओ और चीजें करते जाओ, कैसे आइए हम आपको बताते हैं, ठीक। तो बच्चों यहां पे देखिए टोटल डियर कितने एक्स है, टोटल डियर कितने हैं एक्स है। अब क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है हाफ ऑफ अ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मतलब जितने हैं टोटल उसका हाफ करना है आपको, वो ग्रेज कर रहे हैं, ग्रेज मतलब कुछ अपना खाना ना खा रहे हैं आसपास, जैसे काउज जो होती हैं वो ग्रेजिंग करती हैं ना, घास वास खा रहे हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं चरना, चरना चर रहे हैं, ओके। तो बहरहाल हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन फील्ड, तो ध्यान से सुनो टोटल कितने हैं हर्ड में एक्स डियर, इसके हाफ, तो बच्चों ध्यान से सुनिए, ध्यान से मेरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल कितने हैं यहां पे लिख देता हूं, टोटल कितने हैं एक्स हैं, ठीक, एक्स का जो हाफ है, ठीक है बच्चों, एक्स का जो हाफ है, ठीक है, वो कहां क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग इन द फील्ड, है ना। तो ग्रेजिंग इन द फील्ड, ग्रेजिंग इन द फील्ड, ग्रेजिंग इन द फील्ड, ओके, सुनो ध्यान से, यानी कि फील्ड में कितने डियर होंगे, सोचो, एक्स का हमको क्या करना है हाफ, भाई जितने बेटा थे टोटल उसका हाफ करोगे, जैसे एग्जांपल बताएं, परेशान हो, सुनो, जैसे मान लो टोटल अगर 50 है, तो मैंने बोला भाई 50 का जो हाफ है वो फील्ड में आपको ग्रेस करता हुआ नजर आ रहा है, तो 50 का हाफ कैसे निकालते हो, 50/2, ठीक, आंसर कितना आ जाएगा 25, ठीक है, मतलब जितने भी टोटल है बेटा उसको उठा के 2 से डिवाइड कर दीजिए, जितने भी टोटल है उसको उठा के 2 से डिवाइड कर दो तो हाफ आ जाएगा। तो बताओ टोटल कितने हैं एक्स, एक्स का हाफ करोगे तो क्या करोगे, एक्स को 2 से डिवाइड करो यानी कि एक्स बाय 2, ठीक है। तो ग्रेजिंग इन द फील्ड कितने डियर फील्ड में होंगे, एक्स बाय 2 होंगे, होंगे कि नहीं होंगे बताइए बेटा, टोटल एक्स थे, एक्स का हाफ करो, एक्स का हाफ करने के लिए एक्स को 2 से डिवाइड कर दोगे यानी कि कितना आ जाएगा, एक्स बाय 2, तो एक्स बाय 2 डियर कहां ग्रेज कर रहे हैं, फील्ड में, समझ गए। अब सुनो एक बात बताओ, टोटल एक्स थे, एक्स में से एक्स बाय 2 चले गए तो कितने बचे, बेटा टोटल एक्स थे, एक्स में से एक्स बाय 2 चले गए तो कितने बचे, रिमेनिंग कितने, ध्यान से सुनिए, यहां पे हम निकालने आ रहे हैं रिमेनिंग नंबर ऑफ डियर्स, ओके, यहां पे हम निकालने जा रहे हैं क्या, रिमेनिंग नंबर, एनओ का मतलब नंबर समझ लेना, नंबर ऑफ डियर कितने आ जाएंगे बच्चों, रिमेनिंग बताइए, कितने आ जाएंगे रिमेनिंग, रिमेनिंग कैसे निकालते हैं, यहां पे देखो जरा, मान लो 50 है, 50 में से 50/2 यानी 25 चले गए तो बचेंगे कितने, 50 माइनस जितने चले गए, कितने चले गए 25, है ना, तो वापस कितना आएगा 25, सीधी सी बात है, 50/2 अगर चले गए, हाफ चले गए तो हाफ ही तो बचेगा, है ना, ठीक है, यानी कि अगर इधर 50/2 है तो इधर भी क्या हो जाएगा 50/2, ठीक, 50/2 का मतलब 25 होता है, तो वही चीज यहां पे भी होगी, x में से अगर हाफ इधर चले गए तो हाफ ही तो उधर बचेंगे, यानी कि इधर कितने बचेंगे, x बाय 2 ही तो बचेंगे। अभी भी जिसको नहीं समझ में आया मैं आपको बताता हूं, ज्यादा टेंशन मत लो, सुनो, देखो बच्चों, सीधी सी बात दिखाई पड़ रही कि भाई x में का हाफ इधर चला गया तो हाफ इधर ही होगा ना बेटा रिमेनिंग, ठीक है, फिर भी कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ऐसे मत करो, ऐसे करो, कैसे, सुनो, बच्चे बोल रहे हैं सर x में से, क्योंकि जरूरी नहीं कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आए कि x में से हाफ इधर चले गए, भाई वो बोल सकता है 1/4 इधर चले गए तो इधर x बाय 4 हो जाएगा, तो रिमेनिंग कितने होंगे, रिमेनिंग निकालने का स्टाइल ये होता है, सुनो, टोटल में से क्या माइनस करेंगे, ये वाला, तो रिमेनिंग आ जाएगा, मतलब समझो रिमेनिंग कितने होंगे, x थे टोटल और टोटल में से हमने क्या माइनस किया, हाफ ऑफ x यानी कि x बाय 2, ठीक है, तो x में से x बाय 2 माइनस करो कितना आ जाएगा, x में से x बाय 2 माइनस करिए कितना आ जाएगा, x बाय 2 कैसे, आइए हम आपको बताते हैं, परेशान ना हो, देखो बच्चों इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं, x के नीचे हम 1 अज्यूम करेंगे, ठीक, माइनस बेटा x के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हो ना, हाँ ठीक, तो x को हमने x बाय 1 लिखा माइनस x बाय 2, यहाँ ब्रैकेट लगाओ। अब सुनो 1 और 2 का एलसीएम 2 आता है, ये तो सबको पता है, 1 और 2 का एलसीएम कितना आता है 2, 2 को 1 से डिवाइड करो, 2 को 1 से, भाई एलसीएम को हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे,
तो 2 को 1 से डिवाइड किया, 1 2 जा 2 आ रहा है, क्वेश्चन कितना आ रहा है 2। जो आंसर आता है उसको उठा के यहाँ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 इंटू एक्स करेंगे, फिर यहाँ माइनस लगाए लगा देंगे, ठीक। एलसीएम कितना आया है, 2 आया है। 2 को उठा के हम सेकेंड वाला जो टर्म है उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना आएगा 0। क्वेश्चन कितना है 1, 1 को उठा के हम यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x इंटू 1, समझ गए। अब आप चेक कर लो कितना आ रहा है, 2 इंटू x तो हो जाएगा 2x, फिर माइनस x इंटू 1 होगा x अपॉन 2, ठीक है। अब बताओ 2x माइनस x कितना होता है, x ही तो होता है, नहीं पता बेटा, 2x माइनस x, x के आगे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, 2 माइनस 1 1, 1x यानी कि x, तो x आ जाए 1x आ जाएगा बाय 2, 1 तो लिखा नहीं जाता है, चेक करो x बाय 2 ही तो आया। चाहो तो आप ऐसे कर लो, नोट करो, नोट करो रिमेनिंग डियर कितने हो जाएंगे, x बाय 2। चाहो तो आप ऐसे कर लो, और चाहो तो आप डायरेक्टली सोच लो कि भाई x में से जितने हाफ इधर चले गए तो हाफ ही तो उधर बचेंगे, यानी कि रिमेनिंग डियर कितने हो जाएंगे, x बाय 2। कॉपी में नोट करिए, मैं इसको रब कर दूंगा, कॉपी में नोट करिए बच्चों, नोट करिए, नोट कर लिया, चलो। अब पता है ये मैंने क्यों बताया आपको x माइनस एक्स बाय 2, क्योंकि अगर वो बोलता कि 1/4 ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो फील्ड में कितने होते, x बाय 4, और रिमेनिंग कितने बचते, x माइनस एक्स बाय 4 करते हम, समझ गए। तब ऐसा नहीं कि इधर x बाय 4 है तो उधर भी x बाय 4 हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। चलो तो बहरहाल अभी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन रिमेनिंग नंबर ऑफ डियर कितने हो जाएंगे, x बाय 2 हो जाएंगे, मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। तो यहाँ हमने अपने कॉपी में लिखा नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड, फील्ड में कितने ग्रेज कर रहे हैं, x बाय 2 है ना, और रिमेनिंग नंबर ऑफ डियर हमने आपको निकाल के दिखाया कितने, x बाय 2 है, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन आगे पढ़िए, कह रहा है हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ अ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, फील्ड में हाफ, एंड 3/4, अब देखो रिमेनिंग हम निकाल चुके हैं ना, कह रहा है कि 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, ध्यान से सुनिए बच्चों उसने क्या बोला, हम यहां लिखते हैं, देखिए उसने क्या बोला, 3, ध्यान से सुनिए, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, नियर बाय मतलब आसपास खेल रहे हैं, ठीक है ना। तो आसपास कितने डियर खेल रहे हैं ये अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग करोगे, समझो ना। देखो यहीं पे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, यहीं इसी स्टेटमेंट को देख के आपको पता चल जाएगा कि कितने डियर आसपास खेल रहे हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे, ध्यान से सुनो क्या लिखा है, 3/4, 3/4 का मतलब समझते हो, 3/4 का मतलब होता है 4 में से 3 पार्ट, ठीक है, यानी कि 3/4, 4 में से 3 पार्ट, ये होता है मतलब, 3/4 का मतलब होता है कि 3/4, ओके, यानी कि 4 में से 3 पार्ट, ठीक। सुनो तो 3/4 का मतलब 3/4, ऑफ का मतलब मैं कई बार बता चुका हूं इंटू होता है, ऑफ को हटा के हम क्या लगाते हैं, इंटू, 3/4 का मतलब 3/4, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन का साइन, और यहां क्या लिखा है, द रिमेनिंग, हाँ भाई यहां पे लिखिए क्या, द रिमेनिंग, अब द रिमेनिंग कितने थे, रिमेनिंग कितने थे, x बाय 2 थे कि नहीं थे बताइए, हाँ ठीक, तो रिमेनिंग कितने थे, x बाय 2, तो यहां हमने फिल किया क्या, x बाय 2। अब जो आगे लिखा है उसको लिख दीजिए, आर प्लेइंग नियर बाय, ठीक है, आर प्लेइंग नियर बाय, ओके स्टूडेंट्स, सो आर प्लेइंग नियर बाय, तो नियर बाय कितने प्ले कर रहे हैं, ध्यान से चेक करो, इसको सॉल्व करना आता है, यस सर, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 3 इंटू एक्स होता है 3x अपॉन 4 टूजा होता है 8, यानी कि 3x बाय 8 आर प्लेइंग नियर बाय, आर प्लेइंग नियर बाय, ओके बच्चों, ठीक। तो यहां हमने अपनी कॉपी में नोट कर लिया इसी बात को, नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाय, आसपास कितने खेल रहे हैं उनकी संख्या भी आ गई, नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाय, नियर बाय, हाँ भाई कितने आसपास खेल रहे हैं ये निकाला आपने, 3x बाय 8, कितने, 3x बाय 8, ठीक है ना, ये चीज़ हो गई, नोट करिए, नोट कर लें स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए, कर लिया, चलो अब सुनो, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी भी कुछ हिरन बच गए होंगे, है ना, मतलब कुछ अभी भी कुछ डियर बच गए होंगे, तो इन्होंने आगे क्या क्वेश्चन कहा कि द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, द रेस्ट
नाइन आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, जो अब कह रहा है जो बचे हुए नाइन है, यानी कि ऐसा सब इतना सब कुछ करने के बाद कितने बच रहे होंगे, नाइन बच रहे होंगे, ठीक है ना, ध्यान सुन लो क्वेश्चन को, इतना सब कुछ करने के बाद कितने बच रहे होंगे, नाइन बच रहे होंगे, क्या क्या करने के बाद, हाफ चले गए फील्ड में, और जो रिमेनिंग बचे होंगे मतलब जो हाफ बचे उनका 3/4 यानी कि इतने चले गए प्ले करने आसपास, मतलब दे आर प्लेइंग नियर बाय, अब जो बचे होंगे कितने बचे हैं, कितने रिमेनिंग है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नाइन है, वो पढ़ लो, द रेस्ट नाइन आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, बचे हुए कितने डियर है, नाइन है, और वो आसपास तालाब से पानी पी रहे हैं, ध्यान सुनो, एक बार तो उसने बता दिया कितने बच गए हैं अभी, नाइन जो वाटर वाटर के पास है, ठीक है, पॉन्ड के पास, आप भी तो निकाल सकते हो रिमेनिंग, कैसे, ध्यान से सुनो, सुनो सुनो सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, टोटल कितने थे, एक्स थे, ठीक, टोटल में से, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ठीक है, टोटल में से अगर आप क्या माइनस करो, टोटल माइनस अगर आप क्या कर दो, टोटल माइनस अगर आप क्या कर दो, जितने फील्ड में हैं, देखो इक्वेशन देखिएगा कैसे बनेगी, टोटल नंबर ऑफ डियर, जितने डियर टोटल हैं, अगर इसमें से हम माइनस कर दें किसका किसका सम, नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग और प्लस नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाय, प्लेइंग नियर बाय, मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, खुद दिमाग लगाइए कि जितने टोटल थे, जितने भी टोटल थे उसमें से भाई कुछ तो चले गए ग्रेज करने फील्ड में, ग्रेजिंग, दे आर ग्रेजिंग एंड सम आर प्लेइंग, तो जो खेल रहे हैं और जो ग्रेज कर रहे हैं इनका सम करके अगर हम टोटल में से माइनस कर दें तभी तो हमें पता चलेगा कितने बचे हैं, और जितने बचे हैं वो तालाब के पास है, ठीक है, यानी कि ये नंबर किसके इक्वल आ जाएगा, द नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग वाटर नियर द पॉइंट, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप समझते हैं ना, ड्रिंकिंग वाटर, खुद दिमाग लगाओ इस इक्वेशन से आप सेटिस्फाइड हो कि नहीं हो, सही मैंने लिखा है, हाँ भाई, टोटल नंबर ऑफ डियर में से अगर आप बेटा इन दोनों का सम क्या करो, माइनस कर दो भाई, टोटल जितने थे उसमें से कुछ चले गए फील्ड में ग्रेजिंग करने और कुछ चले ग्रेज करने और कुछ चले गए कहाँ, प्ले प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, है ना, तो जितने प्ले कर रहे हैं, जितने जितने वहाँ पे आसपास ग्रेजिंग कर रहे हैं, दोनों को अगर हम क्या करें, ऐड करें और टोटल में से माइनस कर दें तो जितने बच रहे होंगे वही तो आ रहा होगा, और जितने बच रहे होंगे वो तालाब में पानी पी रहे हैं पॉन्ड के आसपास, ठीक, अब वैल्यू रखना शुरू करो उस इक्वेशन को देख के, और टोटल नंबर ऑफ डियर, हाँ भाई इसकी जगह क्या रखोगे, एक्स, क्योंकि टोटल कितने थे, एक्स डियर थे, ठीक, फिर माइनस लगाइए और इसको ब्रैकेट में ही लेना है ना, ब्रैकेट में ही करना बेटा, ठीक है ना, नाउ नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग, नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग कितने हैं, हाँ नंबर ऑफ डियर विच आर ग्रेजिंग एक्स बाय टू, तो एक्स बाय टू हो गया, फिर यहाँ प्लस लगा हुआ है, हम प्लस लगा देंगे, ठीक, नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाय, नियर बाय कितने प्ले कर रहे हैं, 3x/8, ओके, और इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर, हाँ भाई कितने डियर वाटर ड्रिंक कर रहे हैं, 9, तो इज इक्वल्स टू में क्या रख दिया हमने, 9, ये लीजिए ये रहा टोटल, माइनस ये चले गए ग्रेजिंग करने, ये प्ले कर रहे हैं, दोनों को ऐड करके टोटल में से माइनस करेंगे तो रिमेनिंग के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना, नोट करिए, अब क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, टोटल कितने डियर थे निकालना है, टोटल कितने थे, एक्स थे, ठीक, यानी कि एक्स की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, ओके, तो इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ, बट मुझे बच्चों थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, ठीक है, सो यू हैव टू नोट इट, प्लीज़ वीडियो पॉज कर लें और नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट करें बच्चे सभी, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स फटाफट, कर लिया, चलो अब देखो, और ध्यान रखना टोटल ऑफ टोटल नंबर ऑफ डियर हमने कितना अज्यूम किया है बच्चों, एक्स, यानी कि आपको x की वैल्यू निकालनी है, अब ये मैं सारा हटा दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है ना, ओके, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक, चलिए, सो कितना है ये x माइनस इन द ब्रैकेट x बाय टू, ठीक है, x बाय टू और प्लस 3x/8, है ना,
3x by 8 is equals to 9. तो ये equation मैंने अभी copy कर ली, अब मैं इसको solve करूँगा. देखो बच्चों, इस equation को हम लोग कैसे solve करेंगे, बहुत easy है. देखिए बच्चे सभी लोग, और लिखा हमने यहाँ पर है ना. अब सुनो, नेक्स्ट स्टेप में और x माइनस, ध्यान दे बच्चे, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो, जो ब्रैकेट में लिखा है ना बेटा उसको पहले सॉल्व कर लो. कैसे करेंगे सर? 2 और 8 का एलसीएम ले लो. हाँ भाई, 2 और 8 का एलसीएम लेना आता है सभी बच्चों को. यस सर, 2 और 8 का एलसीएम बच्चों 8 हो जाएगा. कैसे सर? 2 वन ज़ा 2, 2 फोर ज़ा 8 है ना, ये 1 ऐसे ही रहेगा, फिर 2 टू ज़ा 4, फिर 2, ये 1 ऐसे ही रहेगा, 2 वन ज़ा 2. ठीक है, चेक कर लो, 2 एलसीएम कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8. सो एलसीएम कितना आ गया, 8 आ गया. ठीक, तो हम क्या करेंगे, 2 और 8 का एलसीएम यहाँ पर ऐसे करके नीचे लिख लेंगे. अब इस एलसीएम 8 को उठा के सबसे पहले हम डिवाइड लगाएंगे किससे, x बाय 2 में, जो डिनोमिनेटर है 2 से. सो 2 4 का कितना होता है 8, रिमाइंडर आएगा 0. जो क्वेश्चन आएगा इस क्वेश्चन से उठा के x को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 इंटू x, फिर यहाँ प्लस लगा है, लगा देंगे. अब एलसीएम 8 आया है, और 8 को अगर आप बच्चों 8 से डिवाइड लगाओगे, क्योंकि जो सेकंड वाला टर्म है उसका डिनोमिनेटर क्या है, 8 है. सो 8 को 8 से डिवाइड लगाओगे 1 आएगा, 8 वन ज़ा 8 होता है, रिमाइंडर आएगा 0, 1 आ गया. सो हम क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, या फिर आप बोल सकते हो 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है ना, इज इक्वल्स टू में क्या है, 9 है, लिख दो. ठीक है, ये थिंग आई थिंक ये चीज़ सभी बच्चों को समझ में आई होगी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं बच्चों, ये तो आप लोग कर ही लेते हो, है ना. चलिए नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास, x लिखा हमने ऐसे, फिर माइनस है. ठीक, अब ध्यान दें, 4 इंटू एक्स तो 4x होता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो ना, 4 इंटू एक्स 4x हो जाएगा, और प्लस कॉपी किया, 1 इंटू 3 3 होता है, साथ में x, यानी कि 3x, और 1 इंटू 3x 3x ही तो होगा, अपॉन में कितना आ गया 8. ठीक, इज इक्वल्स टू कितना है, 9 है, ऐसा कुछ आपके पास हो गया. ठीक, नेक्स्ट स्टेप में देखें बच्चों क्या हो जाएगा, x है ना, और माइनस, अब ध्यान दें बच्चे, 4x प्लस 3x कितना होता है, 7, 4 प्लस 3 7, और साथ में आएगा x, भाई ये प्लस है ना, यहाँ पे प्लस 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 साइन लगेगा, बड़े नंबर का प्लस 7x आ जाए, अरे सिंपल सी बात है, 4 प्लस 3 7, तो यहाँ पे आ गया क्या, 7x बाय 8. ठीक भाई, ये 7x बाय 8 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 9 हो गया. ठीक, अब इस चीज़ को आप पता है ऐसे भी लिख सकते हो, अब यहाँ ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं. सो x माइनस 7 बाय कितना है, x माइनस 7x बाय 8 इज इक्वल्स टू 9. ठीक, अब ऐसी इक्वेशन मैंने आपको सॉल्व करना सिखाई है 2.4 से पहले, जिसको नहीं पता देख लें, करना कुछ नहीं बच्चों, जब भी ये p by q फॉर्म का आता है ना, सो आपको यहाँ पे देखना है इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर, है ना, चेक करो, x के नीचे कुछ नहीं तो 1 मानोगे, यहाँ और लिख दो, है ना. देखो बेटा, x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 अज्यूम करोगे, माइनस 7x बाय 8, ठीक, इज इक्वल्स टू 9. मन हो तो आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, और नहीं मन है तो आप एक काम करो, उठा के 8 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 1 और 8 का एलसीएम कितना आता है 8, तो 8 से लेफ्ट में, 8 से राइट में मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है ना, सो हमने क्या किया, हमने क्या किया, 8 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे. सुनो, फर्स्ट वाला जो p by q फॉर्म है, सेकंड वाला जो p by q फॉर्म है, उसके दोनों के जो डिनोमिनेटर है 1 और 8 है ना, तो 1 और 8 का जो एलसीएम आएगा ना, उस एलसीएम से उठा के लेफ्ट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड भी. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में करके दिखा दूं, देखो हमने क्या किया, हमने 8 से लेफ्ट में भी मल्टीप्लाई किया, 8 कहां से आया, 1 और 8 का एलसीएम 8, ठीक, और 8 से हमने राइट में भी मल्टीप्लाई किया. ठीक, नाउ बच्चों अब ध्यान दें, 8 फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करेगा और फिर सेकंड टर्म में, सो 8 इंटू एक्स बाय 1 और माइनस 8 इंटू 7x बाय 8 इज इक्वल्स टू 9, 8 जा 72, ओके, चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक. अब देखें बच्चों, 8 इंटू एक्स 8x हो जाएगा, अपॉन में 1 का कोई मतलब नहीं, अपॉन में 1 का कोई मतलब नहीं, क्योंकि 8x अपॉन 1 8x हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 8x माइनस 8 से 8 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, 7x. सो 8x माइनस 7x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 72. ठीक है बच्चों, नोट करिए, वीडियो पॉज करके कॉपी करें बच्चे सभी, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लें. अभी इसको मैं एलसीएम लेके भी दिखा दूंगा, परेशान ना हो, है ना, कुछ बच्चे दूसरे तरीके से कर रहे होंगे, वो भी मैं आपको करके दिखा दूंगा, परेशान ना हो. नोट करें बच्चे सभी, फटाफट कर लिया, चलो अब ध्यान से सुनो. देखो बच्चों, हाँ, 8x माइनस 7x कितना होता है, 1x.
चेक करो, 8 माइनस 7 1 होता है, 1x आ जाएगा, 1x का मतलब x आ जाएगा, तो 1x इज इक्वल्स टू 72, 1 तो लिखा नहीं जाता है, 1x का मतलब x होता है ना, 1 इंटू x, x, सो x की वैल्यू 72, यानी कि आप अपनी कॉपी में आंसर लिखिए, द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड इज इक्वल्स टू 72, ये आपका आंसर आ गया, ठीक, बस यही आंसर है, ठीक। अब आंसर चेक करवा दूँ आपको, आंसर चेक करो, देखो आंसर कैसे चेक करोगे, सुनो, टोटल जितने थे उसमें से हमने जितने फील्ड में ग्रेस कर रहे थे, फील्ड में कितने ग्रेस कर रहे थे, 72 का हाफ यानी कि 36, और प्लस जितने रिमेनिंग हो गए, कितने रिमेनिंग हो गए, 36, रिमेनिंग का 3/4 चले गए प्ले करने, यानी कि 4 ऑन द 4, 4 9 या 36, 9 3 या 27, यानी कि 27 चले गए कहाँ, फील्ड में, तो आंसर कितना आना चाहिए, रिमेनिंग कितने आने चाहिए, 9 आना चाहिए, आइए देखते हैं 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सॉल्व करो उसको भाई, ये टोटल है बेटा, यस सर, टोटल के हाफ हैं जो कहाँ चले गए, फील्ड में ग्रेजिंग कर, दे आर ग्रेजिंग है ना, और ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, 3/4 चेक कर लो, 3/4 ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग भाई 72 में से 36 चले गए, बचे 36 ना, तो रिमेनिंग कितने हो गए, 36 का 3/4 कहाँ चले गए, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, ये क्या कर रहे थे, नियर बाय दे वर प्लेइंग, ओके, सो आप चेक कर लो, 72 माइनस 36 प्लस 27, 6 प्लस 7 13 बन जाएगा, 3 प्लस 63, नाउ 72 प्लस 63 12 माइनस 3 9 होता है, लो 9 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डियर कितने हैं, 72 है। अब सुनो, यहाँ पे कुछ बच्चे परेशान हो रहे होंगे कि सर ये क्या कर दिया, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको सॉल्व करने का एक और मेथड है, क्या, x के नीचे 1 अज्यूम करो, माइनस 7x बाय 8 इज इक्वल्स टू 9, 1 और 8 का एलसीएम बेटा ले लो, कितना आ जाएगा, 8 को 1 से डिवाइड करो, इतना तो कर लोगे, 8 को 1 से, 1 8 जा क्या होता है, 8 रिमाइंडर 0, 8 आएगा, 8 को x से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 8 इंटू एक्स माइनस 8 एलसीएम 8 है, 8 को डिवाइड करोगे किससे, 8 से, ठीक, तो 8 वन जा 8 आता है, तो जो रिमाइंडर 0, जितना क्वेश्चन आएगा उसको उठा के 7x से, यानी कि 7x इंटू 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 9, नाउ 8 इंटू एक्स इज व्हाट, 8x माइनस 7 इंटू एक्स, 7x इंटू 1 इज 7x, भाई 7x इंटू 1 7x है ना, क्योंकि 1 को उठा के किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे उतना ही आ जाएगा, सो 8x माइनस 7x कितना हो जाएगा, x बाय 8 इज इक्वल्स टू 9, अब चेक कर लो बच्चों, अब इसमें आप बहुत सारी डेट से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप सोचो x में 8 डिवाइड कर रहे हो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9 इंटू 8, सो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 72, तो ऐसे भी आपका आंसर आ सकता था, ओके, अगर आपने ऐसे किया है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज़ नोट कर लीजिए।